उत्तर प्रदेश के हरदोई में पिछले दिनों हुए ट्रिपल मर्डर केस में फरार आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। टड़ियावा थाना में 6-7 दिन पूर्व एक गांव में 3 व्यक्तियों की हत्या हुई, जिसमें तीनों की जघन्य तरीके से हत्या हुई थी। उस घटना का 36 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 व्यक्तियों को जेल भेजा था, जिसमें एक व्यक्ति की पुलिस को तलाश थी जो वांछित था। और इसके बारे में लगातार हमें सूचना प्राप्त हो रही थी। आज दिन हमको इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। टड़ियावा थाना के अंतर्गत सिकरौरी नहर पुल है, वहाँ पे जब इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा फायरिंग की गई और अपने बचाव हेतु बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाने की कोशिश की गई, जहाँ पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में इसके टायर में गोली लगी और इसको उसके बाद से गिरफ्तार किया गया। फील्ड यूनिट मौके पर है, वहाँ सारे घटनास्थल की जाँच की जा रही है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया है, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और फिलहाल अभी इसका इलाज चल रहा है। और अब आगे की जो भी घटना होगी इसके बारे में आगे आपको बरामदगी क्या है, सर अभी बरामदगी के बारे में भी आपको सारी चीज़ें जो इससे विवरण है, इससे पूछताछ है, वो सारी चीज़ें जब पूछताछ हो जाएगी इलाज होने के बाद फिर उसके बाद आपको अवगत कराया जाएगा। बता दें, पिछले हफ्ते टड़ियावा थाना क्षेत्र के कुआं मऊ के एक आश्रम में रह रहे बाबा समेत साध्वी और बेटे की रात में ईंटों से सिर पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। साधु साध्वी और बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने साधु के शिष्य और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया था और बाकी की तलाश की जा रही थी। हरदोई से न्यूज के लिए राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।